फिलहाल से आपने ज्वाइन किया था अभी ये भी रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में भी लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मली वी वेलकम यू तलाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। माय प्लेजर। कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ब्रीफली टू द ऑडियंस एंड देन वी विल स्टार्ट फॉर द सेशन। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलाल बरनी है। आई एम राइट नाउ वर्किंग विद करीम। आई एम विद करीम सिंस द पास्ट 4 इयर्स। करंट जो मेरा रोल है वो डेवलपर रिलेशंस मैनेजर है। इसके साथ साथ आई एम लुकिंग आफ्टर द करीम इंजीनियरिंग ब्रांड दैट्स येट टू बी लॉन्च्ड इन पाकिस्तान। वी हैव बीन वर्किंग ऑन दैट फॉर द पास्ट 3-4 मंथ्स। उसके बैक एंड पे हम काम चल रहा था। दिस वुड हैव बीन रिलीज अ बिट अर्लियर अगर कोविड ना आता, मगर थिंग्स हैव बीन स्टिल स्लाइटली पुट ऑन होल्ड। इससे पहले यानी विद इन करीम आई हैव एक्सप्लोर्ड मल्टीपल रोल्स। आई हैव वर्क विद द ब्रांड एंड रेपुटेशन टीम ग्लोबल, जो है हमारी दुबई टीम, उसके साथ मैं काम करता रहा हूँ। बिफोर दैट आई वॉज ऑल्सो लुकिंग इन टू ऑप्स वेन आई जॉइंड करीम एज अ सप्लाई मैनेजर। सो बिफोर करीम आई वॉज डूइंग माई ओन स्टार्टअप ट्रैवली के नाम से। वो मैंने कोई ऑलमोस्ट 3 साल किया। आई वेंट थ्रू प्लान 9 इंक्यूबेशन, दैट वॉज थर्ड साइकिल 2013 नवंबर का जो साइकिल, दिसंबर का साइकिल था। आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट। देन वी वर अ पार्ट ऑफ प्लान एक्स इनॉग्रल कोहर्ट। स्टार्टअप कॉम्पिटिशंस भी लड़े हैं। वीसी फंडिंग भी, एंजल इन्वेस्टिंग भी, नॉट वीसी, एंजल फंडिंग भी उठाई $2 लाख की। और देन आई हैड टू मूव ऑन। आई हैड टू मेक अ डिसीजन वेदर कंटिन्यू दैट और नॉट, एंड आई मूव टू करीम। सो इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट, आई हैव बीन I once led Facebook developer circles for Lahore. I co-led with one of my colleagues. Before that, in student life, I was a very active part of Mozilla community. So Mozilla, आप सबको पता है, एक open browser है। उसके पीछे Mozilla technology है। वो open source technologies पे काम करते हैं, internet equity पे बात करते हैं। So I was with them for almost 1.5 year मेरे ख्याल से। So This is my background. Okay, that's great. Very nice to know about your vast experience and diversified nature of like exposure. यासर सॉरी, मुझे ना आपको थोड़ा सा लाउडली बोलना पड़ेगा। मुझे आपकी आवाज ना सही नहीं आ रही। Sure. जी, अभी आपको आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। Okay, that's great. अच्छा जी, अच्छा तलाल साहब, हम आपको पता है इस सेशन का ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा आइडिया हो सके, स्टूडेंट्स को, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को, कि इस टाइम करंट आपका जो सिनेरियो है उसमें आपकी कन्वेंशनल बिजनेसेस जो हैं, जो आप पहले से कुछ आइडियाज के ऊपर काम कर रहे थे, दे मे नॉट बी वर्किंग राइट नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग दैट इन करंट पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड-19, I mean, which startups can flourish? Do you think that people should start working on those, either new startups or the previous ones, which can be now converted or transformed on digitization? So अच्छा, मैंने before we start मुझे बताएं, तो right now जो audience है हमारी, ये सारे startup founders हैं या ये अभी students हैं, ये आपके incubator के इस वक्त हिस्सा हैं? Generally knowing ये mixed हैं, mixed, ज़्यादातर students हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज के राइट नाउ जो करंट सिचुएशन चल रही है, लोगों को न्यू एवेन्यूज डिस्कवर करने चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को ही टेकअप करना चाहिए, राइट? सो जनरली मेरे ख्याल से अगर हम ग्लोबल भी और लोकल परस्पेक्टिव भी देखें, सो हम इसको डब करें दैट यू नीड टू एक्सेप्ट द न्यू रियलिटी। सो कंडीशंस आर गोइंग टू बी डिफरेंट। जो आपका ग्राउंड था जिनके ऊपर आप अपना बिजनेस खड़ा कर रहे थे आज साल पहले, 2 महीने पहले, वो इंटायरली चेंज हो गया। सो नो वन नोज, मैम मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि न्यू रियलिटी जो है, आइदर वी आर गोइंग टू लिव विद दिस फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स या फिर 1.5-2 साल तक चलेगी। इवन विद इन आवर कंपनी राइट नाउ, व्हेन वी से कि आर गोइंग बैक टू द नॉर्मल, दिस विल टेक एट लीस्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर, ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें नहीं पता, जल्दी भी हो सकता है, देर से भी हो सकता है। सो आई एम नॉट श्योर कि अभी ऑडियंस में लोग किस तरह का बिजनेस रन कर रहे हैं, मगर अगेन वट एवर यू आर डूइंग, सब चीजों की यूनिट इकोनॉमिक्स एकदम बदल गई है। प्लान्स बदल गए इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग स्केलेबिलिटी के अंदर, एक एक काइंड ऑफ हर्डल आ गई है। अगर आप ऑन ग्राउंड काम कर रहे थे, ठीक है, अगर आप डिजिटल कंपनी हैं, डिजिटल सर्विसेज देते हैं, तो
तो वो काम उल्टा एक्सेलरेट हो गया. सो यू नीड टू अगेन सी कि आप इस किस डोमेन में हैं. सबसे पहले चीज देखिए यार, उसका यूनिट इकोनॉमिक्स आप देखो कि सेंस बन रही है इस वक्त बिजनेस की कि नहीं बन रही, उसकी नई न्यू रियलिटी क्या है, आप उसको डिजिटली ग्रो कर सकते. अगर तो आप टेलीमेडिसिन के बिजनेस में थे, अगर तो आप हेल्थ टेक के बिजनेस में थे, अगर तो आप एड टेक के बिजनेस में थे, ठीक है, ये इंडस्ट्रीज तो ग्लोबली एक्सेलरेट हो गई है. यानी अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर लोग टेलीमेडिसिन पे नहीं आए थे, मगर वो बैठे बैठे 2 महीने के अंदर मार्केट आउटग्रो कर गई है, वीसी मनी बेतहाशा फ्लो इन कर गया है डेवलप मार्केट्स में. सेम इज द केस फॉर अस या मीना रीजन, जहाँ पे ये इस तरह की डोमेन्स चल रही हैं. दूसरी तरह पे मैं कंपेयर करता हूँ कि अगर आप करीम की बात करते हैं, सो राइड हेलिंग अभी मैंने आपको बताया, आपको पता है कि पिछले 1.5 महीने से बंद थी, ठीक है, सो बिजनेस नहीं था. सो फॉर अस न्यू रियलिटी वाज कि यार अवेलेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से किस चीज़ की है, दैट वॉज फॉर डिलीवरी. सो हर कंपनी जो थी सो डिलीवरीज में आ रही है. करीम अपना डिलीवरी नेटवर्क स्प्रेड आउट कर रहा था, नाउ के ऊपर हम डबल डाउन कर रहे हैं एंड एवरीवन नोज दैट. ठीक है, सेम इज द केस फॉर ग्रोसर चीते. कुछ स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा वायबल टाइम आ गया टू एक्सप्लोर एंड एक्सेलरेट दीज अपॉर्चुनिटीज. अगेन बिजनेस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस है क्या उस पॉइंट के ऊपर, और कुछ स्टार्टअप्स के ऊपर हर्डल्स आ गए. सो अगेन यू नीड टू रीवैल्यूएट कि आप किस सेक्टर में हैं. ये जरूरी नहीं कि आप बिजनेस बदल लें, मगर जनरली व्हाट एवरीवन इज सेइंग ग्लोबली इज के ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस करते थे और कुछ पैसे आपने बचाए हुए थे तो आप उन पैसों को बचाएं. राइट नाउ योर बिजनेस नीड्स टू लास्ट लॉन्गर देन कोविड. ठीक है, आप ना फोकस करें कि आपने बहुत क्रेजी सेल्स लेकर आनी है जिस तरह नॉर्मल टाइम पे थी, ठीक है, मगर आप ये देखें कि यार मैं इस टफ टाइम को, नेक्स्ट 6 मंथ्स को मैंने जिंदा किस तरह रहना है, अपनी कंपनी को किस तरह जिंदा रखना है. फिर उसमें लेऑफ्स भी आते हैं, उसमें पे कट्स भी आते हैं, उसमें मल्टीपल चीजें अगेन कंसीडर की जा सकती हैं. बिल्कुल सही. ओके, अब इसके अंदर कुछ आप समझते हैं कि अब लोगों को सर्विस इंडस्ट्री मॉडल बेस्ड मूव करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन वाली साइड पर आपको काफी ज्यादा हर्डल्स फेस करना पड़ेंगे. अगर हमारे ज्यादातर स्टार्टअप जो है वो सर्विस बेस की तरफ ही मूव कर जाएंगे, जो सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो विल बी प्रोड्यूसिंग फॉर द मार्केट. ठीक है, अच्छा मुझे एग्जांपल दीजिएगा कोई दो सर्विस वाले स्टार्टअप जो आपके इस वक्त हो, तो आई कैन ड्राइव आउट अ रियल टाइम एग्जांपल ऑफ दैट. एक तो हमारे हैं जो टेक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, यानी डिजिटाइजेशन की ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी. ठीक है जी जी. आप जिनको सर्विस दे रहे हैं उसका ओरिजिन और जॉनरा कितना है. सो आई नो कपल ऑफ स्टार्टअप्स दैट आर स्टिल डूइंग दैट 15% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ. ठीक है, जो यूएस में SaaS का काम कर रहे थे, बट देन अगेन आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनका बिजनेस, क्योंकि यूएस में बिजनेसेस इंपैक्ट हुए, ठीक है, तो यहाँ पे वो इंपैक्ट हो रहे हैं. सो गिविंग एन एग्जांपल, इस वक्त हर कंपनी ग्लोबली, पाकिस्तान हो बाहर हो, डेटा ओरिएंटेड हो रही है. ठीक है, हर किसी ने डेटा साइंटिस्ट रखे, डेटा इंजीनियर रखे, उन्होंने कहा भाई हम डेटा ड्रिवन होंगे, हमारे वीसीज को डेटा वाला एंगल बहुत पसंद है. सही है, अब जब इम्पैक्ट होता है तो कहीं ना कहीं उन लेऑफ्स में उन लोगों का भी नाम आया. ठीक है, आया होगा आई एज्यूम. सो अगर आप पाकिस्तान से डेटा एज अ सर्विस देते हैं, एनालिटिक्स की सर्विसेज दे रहे हैं बाहर लोगों को, सो मेरे ख्याल से दैट मेक्स सेंस वेरी मच कि थ्राइविंग इंडस्ट्री है और वो आउटसोर्स करके आपको अपना काम दे रहे हैं. ठीक है, क्योंकि वो काम तो उधर रहना है, उन्होंने अपनी कॉस्ट कम करनी थी. सेम गोज फॉर टेक्नोलॉजी, बेतहाशा लोग हैं पाकिस्तान में जो जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज इधर सेट की हुई या फिर काम पाकिस्तान को आउटसोर्स किया हुआ. ठीक है, जब तक आपकी उधर की कंपनी का ओरिजिन इफेक्ट नहीं होता तब तक दिस इज अ गुड बिजनेस टू बी इन. चलें, ये तो थी अभी हमारी करंट सिचुएशन के ऊपर सिर्फ फोकस करते हुए बात. अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बाकी स्टूडेंट्स के लिए, जिन लोगों को इस पूरे साइकिल को समझना है.
क्योंकि बहुत से लोग इसके ऊपर आके बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास आइडिया तो है लेकिन हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ कैसे लेकर जाएं और बाकी चीजें कैसे कंटिन्यू करें। तो इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी क्यूरीज हैं तो आप सेंट इन इन्फो UMT को चैट बॉक्स के अंदर इसी सेशन में आप क्यूरीज भेज सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हम फिर उसको मॉडरेट करके तो तलाल साहब से डिस्कस करके तो आपको उसका रिस्पांस भी जरूर दिलवा देंगे। तो तलाल साहब, सबसे पहले तो हम ये है कि आप ओवरऑल हमें थोड़ा सा ओवरव्यू दें कि आप क्या समझते हैं। आपने खुद भी स्टार्टअप पे काम किया है, आप पार्ट भी रहे हैं प्लान 9 का, प्लान एक्स का, तो कैसे एक पूरा स्टार्टअप आइडिएशन से लेके रियल टाइम बिजनेस तक किन किन स्टेजेस से गुजरते हुए कैसे कैसे क्या क्या प्रैक्टिकल लाइफ के चैलेंजेस उसको फेस करना पड़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान और किन किन स्टेजेस से वो गुजरते हैं। ठीक है, सो आई विल एक्सप्लेन यू द स्टेजेस। अगर खुदा ना खास्ता मैं फ्लो में कोई चीज पॉइंट पर्टिकुलरली मिस कर लिया जो आप सुनना चाहते हैं तो जस्ट मार्क मी आउट ऑन दैट। सो जनरली मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बिजनेस आइडिया में है, दैट इज स्टार्टअप आइडिया में, दैट इज द बिजनेस इटसेल्फ। ठीक है, आज से 6 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहता आइडिया, मैं कहता इम्पैक्ट। ठीक है, आज मुझसे अगर आप पूछेंगे आफ्टर 4 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस तो मैं कहूँगा यार बिजनेस मॉडल। ठीक है, जो मेरा पहला स्टार्टअप था उसमें मेरे ख्याल से उसका आई लेफ्ट द कंपनी इन 2016, द कंपनी फोल्डेड इन 2017 के एंड पे। सो उसमें मेरे हिसाब से द प्रॉब्लम वाज सही यूनिट इकोनॉमिक्स और सही बिजनेस मॉडल, क्योंकि बिजनेस मॉडल होगा तो आपकी कंपनी की बैकबोन है उसके ऊपर, यानी उस बिजनेस मॉडल पे आप इम्पैक्ट भी ला सकते हैं, आप अच्छा काम भी कर सकते हैं, आप पैसे भी। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा सॉरी, तो मेरे को अच्छा, तो आई वाज जस्ट सेइंग के बिजनेस मॉडल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एक तो आपकी डोमेन क्या है, और फिर ठीक है मैं कहता हूँ कि अगेन डोमेन जो है मैं अपने पैशन के हिसाब से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे फूड इंडस्ट्री का बहुत शौक है, तो मैं अगर रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूँ या मैं फूड डिलीवरी सर्विस जा रहा हूँ वो मेरा शौक है। ठीक है, मगर फिर मैंने देखना है कि मैं जो बिजनेस सेटअप करना चाह रहा हूँ उसका क्या जनरल बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, मैं पैसे कमा भी सकता हूँ या फिर दिस इज अगेन अ वेरी पोटेंशियल ओरिएंटेड मार्केट के मैं सिर्फ पैसा जलाता रहूँ और एक दिन 6 साल बाद 5 साल बाद एक बड़ी कंपनी आके मुझे खरीद लेगी। ठीक है, सो कीपिंग मोर रियलिस्टिक पिक्चर इन पाकिस्तान यू शुड फोकस, गो फॉर अ डोमेन दैट यू लव। अगर अगेन अगर यहाँ कोई क्लोथिंग ब्रांड्स हैं जो बच्चों के कपड़े बनाते हैं तो मेरे नहीं ख्याल से वो बचपन से बड़े हुए थे कि एक दिन बड़े होकर हम बच्चों के कपड़े बनाएंगे। वो ओवर द टाइम अपॉर्चुनिटीज आप देखते हो और आप एक बिजनेस वर्टिकल सिलेक्ट करते हो और यू कहते हो कि नाउ आई एम गोइंग टू डू सम रिसर्च एंड फॉल इन लव विद दिस वर्टिकल। ठीक है, सो अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ जो मेरा पैशन नहीं है प्रॉपर्ली, मुझे उसके ऊपर रिसर्च में जाके उसकी डिटेल ओरिएंटेशन देख के, उसके यूनिट इकोनॉमिक्स देख के, आई नीड टू फॉल इन लव विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड देन डेवलप अ सॉल्यूशन विद अ वायबल बिजनेस केस। ठीक है, तो एक चीज तो है। सो दूसरी चीज जो है, राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ सेल्फ मोड थिंग, आई एम नॉट श्योर व्हेन दैट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड और नॉट, मगर मैं पिछले आप समझें कि पिछले 4 महीने से सिर्फ रिसर्च फेज के अंदर। ठीक है, आई गिव 2-3 hours अ डे ऑन दैट थिंग जो मेरा प्राइवेट टाइम होता है और मैं पढ़ रहा होता हूँ, रिसर्च कर रहा होता हूँ, नोट्स लिख रहा होता हूँ, एवरी डे आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स ऑन पर्टिकुलर इंडस्ट्री जिसपे मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो हो सकता है जो इस मंडे मैंने पढ़ा है वो पिछले मंडे की चीजों को निगेट करता है। सो एवरी डे आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स। फिर उस इंडस्ट्री के लोगों से मैं जाके पूछता हूँ कि यार क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। सो आई ट्राई टू गेट रियल इनसाइट्स इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। सो जिन लोगों ने पोटेंशियली यूज करना है या फिर उस इंडस्ट्री के वो लोग हैं, सो आई ट्राई टू गेन ऑल दीज इनसाइट्स। फिर क्या है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं मेडिकल ये हेल्थ टेक इंडस्ट्री एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सो जस्ट पिकिंग अप एज एन एग्जाम्पल। अब मैंने उधर डॉक्टर से भी बात करनी है, मैंने पेशेंट से भी बात करनी है, उनके एक्सपीरियंस से भी बात करनी है। अब जो मेरा कोर्स ऑफ क्या कहते हैं आप उसको, इनसाइट गेनिंग का, उसमें मैंने कंपेटिटर एनालिसिस भी करना है। ठीक है, ये सब चीजें हैं जब मुझे पता है कि यार किस तरीके से काम हो रहा है और मैं क्या पैसे कमाऊंगा, मैंने कब लॉन्च करना है, मेरा USP एंगल क्या होगा। सो अगेन आई नीड टू एवेल्यूएट दैट। अच्छा,
उसके बाद मेरे ख्याल से बाकी स्टेप्स कम ऑन लेटर ऑन कि आप कब उसको किस तरीके से लॉन्च करते हैं। मगर कोर अगर मैं रिपीट करता हूँ फॉर द ऑडियंस, सो दैट इज पिक अ वर्टिकल, डू मेरे ख्याल से रिसर्च, एक्सट्रीम रिसर्च ऑन मार्केट डायनामिक्स, मार्केट साइजिंग, मार्केट अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं दैट इज लुक इन टू कि उसका बिजनेस स्ट्रक्चर आप क्या बनाना चाहते हो। ठीक है, बिजनेस स्ट्रक्चर कुछ भी, कोई बिजनेस आज इस तरह का नहीं है मेरे ख्याल से जो जो आज वो कह रहा हो और पांच साल बाद वो कह रहा हो। सो जैसे आप ग्रो करते हो आपकी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर होती हैं, आपका विजन ब्रॉड होता है, एंड यू ऑलवेज आर लुकिंग इन टू एक्सप्लोर द बिजनेस। ठीक है, मगर अगेन रिसर्च, टॉक टू योर रियल टाइम कस्टमर्स के यार उन्हें क्या मसला है जो आप बनाना चाह रहे हो। आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है मगर क्या उसकी मार्केट में नीड है भी कि नहीं। हो सकता है मैं कहूँ कि यार मैं एक राइड हेलिंग ऐप बनाना चाहता हूँ और सबको उसकी जरूरत है बड़ी, ठीक है, मगर जब मैं मार्केट में जाता हूँ मैं कहता हूँ, लेट्स एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ऊबर भी है, करीम भी है, बाइकिया भी है, चार कंपनियां और हैं, कल को लिफ्ट पाकिस्तान आ गई है, सो डू आई एक्चुअली स्टैंड अ चांस। और क्या जो यूजर हैं जिनके पास ऑलरेडी तीन तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं और हाई प्रीमियम क्वालिटी सर्विसेज अवेलेबल हैं, क्या मैं उनसे कम्पीट कर सकूंगा, क्या उसमें मार्केट स्पेस है कि नहीं। सो मेरे ख्याल से दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब आप सोच रहे हो कि आप शुरू करने जा रहे हैं तो आपको ये चीजें कंसिडर करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, इसके अंदर ही एक और चीज भी है कि जब मार्केट रिसर्च हमारे स्टार्टअप इसका नाम सुनते हैं उसके बाद एक बहुत बड़े मखमसे का शिकार हो जाते हैं कि मार्केट रिसर्च, एक तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है इतने कि वो जाएं मार्केट में पूछें, डिमांड पता करें, उसके ट्रेंड्स पता करें। चलें ट्रेंड्स का किसी हद तक बात कर सकते हैं कि वो पता चल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो आता है कि मार्केट की डिमांड के बारे में रिसर्च करते हुए उनको रिसोर्सेज का और उसके फिर राइट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करके उनसे पूछने का। बस फॉर इंस्टेंस ये डिजिटाइजेशन का ही अगर बिजनेस है जो कि कुछ एक हमारे स्टार्टअप करना चाहते हैं इसको, तो वो ही वांट्स टू लाइक ट्रांसफॉर्म द कन्वेंशनल बिजनेसेस इनटू मॉडर्न वन विद डिजिटाइजेशन, राइट। अब उसमें वो डिफरेंट सेक्टर्स को एड्रेस कर सकते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो किसी एक सेक्टर को ही लें। तो उसमें उनके पास टारगेट मार्केट एक बहुत बड़ी वास्ट है, बहुत वास्ट मार्केट है। अब वो उसको आप समय आप क्या उनको टिप देना चाहेंगे कि वो कैसे मार्केट रिसर्च के ऊपर जाएं? ठीक है, सो देयर स्टार्टअप इज के डिजिटाइजेशन सर्विसेज देते हैं टू कंपनीज। सो व्हेन आई से डिजिटाइजेशन, क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं? ये वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग और एसईओ। तो अगेन मैं इसको पहले अपना एग्जांपल आपको देता हूं थ्रू माय जर्नी विद ट्रैवली एंड आई विल एंड अप विद जो ये काम करें। हर केस हर चीज से डिफरेंट है। सो मैं आपको बताता हूं, व्हेन आई स्टार्टेड, सो हमारा जो स्टार्टअप था को-फाउंडर्स का, वो ये था कि हम आपको बताते थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में कि हमने 7 शहर पाकिस्तान के डिजिटाइज किए एक एक बस स्टॉप खुद जाके, जिसमें लाहौर, कामों की, पत्तों की, शेखुपुरा, गुजरांवाला, मुरीद के और कसूर था मेरे ख्याल से। ठीक है, सो खुद जाके डिजिटाइज किए। एलटीसी के पास ये डेटा ही नहीं था, तो एक ऐप बनी ट्रैवलिंग जिसमें आपको पता लगता था आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है। तो अच्छा, मेरी आवाज आ रही है, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल। अच्छा, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो आपने कौन सी बस, पब्लिक बस कब चेंज करनी है, कौन सी लेनी है, उसका क्या फेयर बनेगा। ठीक है, और पोटेंशियली उसका एक प्लग इन था कि वो आपको बताएगा अपना बस कितनी देर में बस स्टॉप पे आ रही है। सो वी गॉट एलटीसी ऑन बोर्ड। इस पूरे स्टार्टअप पूरा हमने स्ट्रक्चर कर लिया। मैंने आपको कहा मैंने 7 शहर डिजिटाइज करवा दिए, ऐप बन गया, ऐप पुश हो गई, यूजर्स आना शुरू हो गए, लोगों ने कहा कि आप हमें कम्युनिटी ओपन सोर्स कर दो, हम डस्का शस्का भी इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हम खुद आके बस स्टॉप डिजिटाइज करेंगे। प्रॉब्लम था बिजनेस मॉडल, उसके अराउंड हमने बिजनेस मॉडल देखा ही नहीं हुआ था क्योंकि हमने कभी रिसर्च ही नहीं की थी इस चीज के ऊपर, क्या ये नीड है। ये तो यूनिवर्सिटी का एक एचसीआई कोर्स का प्रोजेक्ट था जो हमने लगा कि यार बड़ा अच्छा ऐप बन सकती है, इसको बना लो। सो देयर वर यूजर्स, मगर क्या द यूजर्स वर रेडी टू पे अस, उनका पेन पॉइंट क्या था, उनको हमने रीच आउट कैसे करना है, ये उस पूरे स्टार्टअप में मिसिंग था। सो देन वी पिवटेड, हमने कहा यार हम एक लो कॉस्ट कम्यूटिंग ऑप्शन बनना चाह रहे हैं और अगर हम बस की मार्केट नहीं देख रहे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, मोर देन नाउ जो मैं 2013-14 में कर रहा था, आज एयरलिफ्ट उबर मॉडल के ऊपर कह रही है। अगेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बेहतर तरीके से देने के लिए हम वो एलटीसी के साथ कह रहे थे वे अर्ली
कोई मार्केट डेमोग्राफिक्स नहीं थे, स्मार्टफोन पेनेट्रेशन नहीं थी, 4G नहीं था आपके पास, मार्केट रिसर्च नहीं की थी, ठीक है। हमने कहा पिविट करते हैं, और सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि जो लोग रिक्शों पे बहुत ट्रैवल करते हैं, एक सड़क पे बस कितनी चलती है और उसके अगेंस्ट रिक्शे कितने चलते हैं। हमने कहा लेट्स पिविट इनटू दैट, और कुछ सर्विस इस तरह हो कि आप बटन दबाओ, कॉल करो तो रिक्शा आपके घर पे आ जाए, आपको पिक करे, आप मंथली एक्स वाई जी स्टफ करे। हमने कहा मगर बिफोर डूइंग दिस वी नीड टू डू अवर मार्केट रिसर्च एंड गो एंड टॉक टू रिक्शा ड्राइवर्स एंड यूजर्स। तो हम उस इधर आरफा टावर बैठा करते थे, उधर ITU था, सो उधर टीचर्स भी हैं, उधर स्टूडेंट्स भी हैं, आरफा टावर के अंदर एम्प्लॉयज भी हैं। सो वी कंडक्टेड अ सर्वे ऑन यूजर एंड, हमें समझ लगा कि यार बहुत ज्यादा लोग हैं जो रिक्शे पे ट्रेवल करते हैं और दे वुड लव टू पे फॉर दिस सर्विस। एक एनालिसिस हमने उसका बनाया। ऑन द अदर हैंड, मैं जब ऑन डिमांड मार्केट में था तो मैंने सप्लाई साइड का भी सर्वे लिया। तो मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, हमने 2200 रिक्शे वालों का इंटरव्यू लिया, ठीक है। हम 5 लोग थे, हमने डिवाइड किए, तो कोई 500-400 शायद मैं भी गया हूँ उनके पास। एक सर्वे लेके जाते थे, उन्हें बताते थे कि यार हम ये काम कर रहे हैं, हमें अपना आपका डेटा दे दो, आप कितना कमाते हो, आप उठते कब हो, सोते कब हो, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कितने पैसे बचाते हो, कितने पैसे कमाते हो, LPG से कितने कितने का आपका रिक्शा चलता है, दूसरे पेट्रोल पे। सो जस्ट टू गेट अ होल स्ट्रक्चर टू लिव दैट रिक्शे वाला लाइफ, मुझे वो रिसर्च करनी पड़ी। हम सबको वो घोल के पीना पड़ा कि यार इंडस्ट्री काम किस तरह करती है, डायनामिक्स किस तरह काम करते हैं इंडस्ट्री। दिस वॉज ट्रैपिंग। अब मैं अगर बात करता हूँ, कोई भी अगर स्टार्टअप है, अगर आप डिजिटाइजेशन सर्विसेज देना चाहते हो, या मैं उससे भी पहले एक और एग्जांपल कोटेड करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं US के अंदर कोई सर्विसेज देना चाहता हूँ, लेट सपोज अगेन डिजिटाइजेशन की देना चाहता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि इस वक्त दिस इज अ ग्रेट टाइम अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट बिजनेस, क्योंकि सब कुछ डिजिटाइज पड़ा हुआ है। आपके पास फेसबुक में ग्रुप है जहाँ 30,000-40,000 बंदा बैठा हुआ है, आपके पास लिंक्डइन जैसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहां मिलियंस ऑफ मिलियंस पीपल बैठे हुए, ठीक है। आपने नैरोबी में किसी को कॉन्टैक्ट करना है, यू जस्ट नीड टू राइट इन द कीवर्ड्स राइटली कि आपको प्रोफाइल जाना शुरू हो जाए, ठीक है। कंपनीज का सारा डेटा क्रंच बेस पे अवेलेबल है अगर वो स्टार्टअप है, वरना वेबसाइट्स लोगों की बनी हुई। यू शुड स्टार्ट क्वेश्चनिंग इन दीज ग्रुप्स। सो मैं जिस चीज पे काम कर रहा हूँ, मैंने वो ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, मैं उधर लिखता हूँ। इट इज वेरी अनोइंग, इट इज वेरी स्लाइटली नॉट डिप्रेसिंग, मगर इट्स डीमोटिवेटिंग। जब मैं क्वेरी लिखता हूँ ना, तो ग्रुप में है 30,000 लोग, रिप्लाई मुझे करते हैं 4 या 2। 4 अगर रिप्लाई करते हैं उनको, मैं रिप्लाई बैक करता हूँ, तो उसमें से मुझे 2 लोग रिप्लाई करते हैं, तो क्या मैं हिम्मत हार जाऊँ? नहीं, मैं उन दो लोगों को अपनी लीड बना लेता हूँ। मैं उनको कहता हूँ यार प्लीज मुझे आप DM करो, लेट्स गेट ऑन अ कॉल, ठीक है। इफ दे आर काइंड इनफ, वो मेरे साथ कॉल पे आते हैं, देन आई डिस्कस के मैं क्या कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं फीडबैक क्या है, मैं बीटा लॉन्च करूंगा, मैं आपको लिंक भेजूंगा, मुझे जनरल मैकेनिक्स बता दें। सो जनरली यू विल बी सरप्राइज टू नो कि पीपल आर एक्चुअली वेलकमिंग। अगर आप किसी को, मैंने पाकिस्तान में भी करके देखा, मैंने बाहर करके भी देखा, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ना इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन, सो अगले आपसे जरूर शेयर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ गुड वैलिड पॉइंट मेरे ख्याल से, जो आपको देखना चाहिए। अगेन यहाँ ये कहीं का रूल नहीं है कि आप एक ग्रुप में लिखें तो 100 लोग आपके पास आ जाएंगे आपको रिप्लाई करने, नहीं नहीं यासिर भाई यू आर द बेस्ट, हम आपको जवाब जरूर देंगे। सो एक्सपेक्ट रियलिटी के लोग नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है वो आए, मगर दे आर सर्टन पीपल, आपका गुड लक है अगर वो ज्यादा नंबर में आ गया, मगर पीपल रीच बैक टू। फिर लिंक्डइन है, फिर आप देखें देर आर लीड जनरेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप दें उनको $50 दें महीने का, वो आपको दुनिया जहान की लीड्स ला देंगे। आपको ऑस्ट्रेलिया में बंदा चाहिए, कीनिया में बंदा चाहिए, ठीक है। सो आप लीड जनरेशन पे काम कर सकते हैं, आप कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन यू आर डूइंग दिस, आप एक सबसेट निकालें कि जरूरी नहीं कि आपने 200 बंदों को रीच आउट करना है, 2000 को करना है, आप 50 को करें, उन 50 या 20 लोगों को करें, उन 20 लोगों को आप 2 बार इंटरव्यू कर लें, आप मैकेनिक समझें, एंड देन किक स्टार्ट इट। सो मेरे हाल से यूज फेसबुक ग्रुप्स, यूज लिंक्डइन, यूज लीड जनरेशन सॉफ्टवेयर्स। सो रिसर्च इस तरीके से होती है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि मैं कंपेटिटर एनालिसिस कर रहा होता हूँ, तो पूरा डेटा आपके पास उधर पड़ा है, ऐसी क्या चीज़ें जो नहीं है। सो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहता हूँ कि लेट सपोज स्क्वायर एक कंपनी है, मैं उसको वैसे आज से कुछ 4-5 महीने एक्सप्लोर कर रहा था कि सैश मार्केट में किस तरह चलते हैं। सो वेब आर्काइव्स एक वेबसाइट है, मैं उस पर रिसर्च कर रहा था। सो मैंने वेब आर्काइव्स के ऊपर उसको खोला,
और वो कंपनी 2013 में शुरू होती है, वेब आर्काइव्स क्या करती है, उसके स्क्रीनशॉट्स लेती रहती है उनके होम पेजेस की ओवर द ईयर्स, और वो इंटरनेट पे क्लाउड पे फेंकती रहती है। सो मैंने उस कंपनी की जस्ट टू सी द जर्नी में 2013 से, एंड इट इज वेरी अनोइंग प्रोसेस क्योंकि वो डाउनलोड करके आपको इमेज दिखा रहे होते हैं, तो इट इज अ वेरी स्लो वेबसाइट। मगर 2013 से मैंने उस कंपनी की जर्नी फॉलो शुरू की, उनकी कम्युनिकेशन देखी, उनका मॉडल देखा, वो ऑफर क्या कराते थे 2013 के नवंबर में और 2014 के जनवरी में क्या फर्क था, फिर 2014 के मई में क्या फर्क आया, अक्टूबर में क्या फर्क आया, ऑल द वे में 2020 तक आया। ठीक है, मैंने उसको मैप आउट किया, फिर मैंने देखा यार इन लोगों ने फंडिंग किस किस जगह पे उठाई है, बाय कॉम्बिनेटर किस टाइम पे घुसे। सो जनरली इफ यू आर इन लव विद समथिंग तो आप उसका सोल्यूशन, उसकी रिसर्च निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से रिसर्च ऐसी चीज नहीं है डरने वाली कि मैं डर जाऊं कि यार रिसर्च वो रिसर्च करनी पड़ी है। आपको शुक्र करना चाहिए कि आप इस एज में हैं जहां आप रिसर्च कर सकते हैं और आप उसे एक आइडिया ले सकते हैं कि मैं क्या गलतियां करने जा रहा था, मैं जो बनाना जा रहा था यार इसकी तो जरूरत ही नहीं है, या फिर ये कितना इंटरेस्टिंग एंगल है, किसी ने इजिप्ट में बैठ के ये वाला एंगल किया है और मेरी मार्केट बड़ी सेम है, मैं पाकिस्तान में भी ये काम कर सकता। सो मेरे ख्याल से जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, मेरा कोई लिंक नहीं है एयरलिफ्ट से, मगर एयरलिफ्ट से पहले स्विवल इजिप्ट में लॉन्च होता है, दे गुड डू दिस क्रेजी फंडिंग, उसने एयरलिफ्ट के लिए बिजनेस मॉडल वैलिडेट कर लिया। ठीक है, एयरलिफ्ट अगर अंधाधुंध मार्केट में आता सो आई एम नॉट श्योर क्या करता, मगर अगेन दे हैड दिस चांस टू रिसर्च इन द इजिप्शियन मार्केट, सर्विस क्या है, बिहेवियर क्या है, पैटर्न्स क्या है, बोनसेस क्या है कैप्टन्स के, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेरे ख्याल से डूइंग रिसर्च, डूइंग योर होमवर्क ऑन व्हाट यू वांट टू डू एंड ऑन कंपेटिटर्स इज, इसके बगैर आप काम अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो ना ही करें तो बेहतर है। अच्छा, अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें एग्जांपल दे दी एयरलिफ्ट सोयल की, थोड़ा सा हमें इनके बिजनेस मॉडल के बारे में भी आप बताएंगे अगर आपको इसके बारे में अवेयरनेस है तो। किसका, सॉरी, एयरलिफ्ट और सोयल के जो बिजनेस मॉडल है, अभी करीम का बस प्रोडक्ट है नहीं तो मैंने इस पे कुछ एसएच काम नहीं किया हुआ जनरली, सो मेरे ख्याल से आई एम नॉट द राइट पर्सन टू एनी इवन टेल, क्योंकि मुझे पता ही नहीं उनके एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल्स का क्या है, क्या है। अगेन बट कमिंग फ्रॉम अ राइड हेलिंग ऑन डिमांड कंपनी, कुछ अब होता है कि आप जब किसी को ऑनबोर्ड करते हो तो आप कहते हो कि हम आपको दिन की इतनी गारंटीज देंगे, आप इतने चक्कर लगाओगे तो इतने बोनसेस मिल जाएंगे, सो उस हिसाब से इनकी यूनिट इकोनॉमिक सेट हुई होती है, मगर मुझे डिटेल में ऐसा सच पता नहीं है इनका। ठीक, चलिए जी, कमिंग बैक टू आवर ऑन सेट ऑफ क्वेश्चंस, तो उसके ऊपर अब ये आपने बड़ा अच्छा बताया इसके बारे में कि आपकी मार्केट रिसर्च से रिलेटेड आपने काफी कॉम्प्रिहेंसिव चीजें बताई हैं बच्चों को, बट अगेन आप समझते हैं कि आपने बिजनेस मॉडल से जरूर शुरू किया, यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स से जरूर शुरू किया, लेकिन किन किन स्टेजेस से गुजर कर बच्चा आइडिएशन से लेकर रियल टाइम बिजनेस तक पहुँचता है, थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे ताकि फिर इसके बाद आगे चले। ठीक है, सो कीपिंग इट शॉर्ट, मेरे ख्याल से एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जिसको हम पहले एमवीपी का करते थे, ठीक है, अब वो एमएलपी बन गया, मिनिमम लवेबल प्रोडक्ट। ठीक है, सो अब मैं लेट्स सपोज मैं एग्जांपल कहता हूँ कि मैंने कोई सास प्रोडक्ट पाकिस्तानी मार्केट के लिए लॉन्च करना है जो डेटा एनालिटिक्स की सर्विसेज देगा। ठीक है, प्लग एंड प्ले काम है, आप लगाओ आपको डेटा एनालिटिक्स मिल जाएंगे, आपने महीने के मुझे 2000 रुपए देने आपकी कंपनी ने। अब या तो है कि मैं, ठीक है, मैं रिसर्च फेज से गुजर चुका हूँ और अब मैं काम कह रहा हूँ कि मैंने इसको मार्केट में पुश करना है, मगर मेरे एक फीचर्स नहीं है, सो मैंने फीचर्स मैप आउट किए हुए कि मैं इंटीग्रेशंस दूंगा, मैं चार्ट्स दूंगा, मैं आपको और कोई डिटेल चीजें निकाल के दूंगा एज अ सर्विस। ठीक है, मैं उसको नोट कर लेता हूँ। जब मैं अपना मार्केट सर्वे लोगों से बात कर रहा होता हूँ, यार जो मार्केट रिसर्च करता हूँ आपको क्या सर्विस चाहिए, सो जनरली आप पूछते हो कि यार ये 3-4 सर्विसेज हैं जो मेरी कंपनी देगी, आपको इनमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है। आपके पास सर्वे आ जाता है 50 लोगों का, 30 लोग कह रहे होते हैं कि हमें ए लेवल ये चाहिए। ठीक है, तो जो आप एमबीपी होता है दैट इज अ ब्रोकन प्रोडक्ट, आप वो चीज बनाते हो, वो उन 30 लोगों को भेजते हो, यू डोंट चार्ज फॉर दैट, और आप उनको कहते हो कि प्लीज ये आपने रिक्वेस्ट की थी, अब आप हमें इसका फीडबैक दो। ठीक है, so that is the day when you actually launch, jab aap mvp phenk rahe ho to aap launch kar rahe ho apne aap ko beta version mein with limited amount of users, so that is a validation for you, kyunki aapko users ka feedback aana shuru hota hai ki if users are loving your product is broken, aur uske sath aap fir iterations pe kaam karna shuru kar dete ho,
सो आइट्रेशंस टू बिजनेस लॉन्च के दरमियान जो एंगल है वो आपका ये बीटा का एंगल है, जिसमें आप एक बिल्कुल एमएलपी बना के विद एक्स नंबर ऑफ यूजर्स हैंग देते हो, ठीक है, और फिर उनसे आप अगेन फीडबैक लेते हो 2-3 मंथ्स और अपने प्रोडक्ट को ठीक करके प्रॉपर मार्केट लॉन्च करते हो। जी हाँ सर, जी बिल्कुल ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग के पाकिस्तान में हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हमारे यहाँ आइडिया की स्टीलिंग का बहुत ज़्यादा एक थ्रेट है, तो व्हाट डू यू थिंक कि व्हेन एट विच स्टेज एंड हाउ टू सिक्योर एंड रजिस्टर द बिजनेस आइडियाज बाय दीज स्टार्टअप्स। अच्छा ये है, मैं आपको बताऊँ, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं नस्ट का एक इवेंट होता है डिस्कवर के नाम से, कोई है 10-12 साल पुराना है, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटिशन ही है। हम वो गए थे करने, उसमें पार्टिसिपेट करने गए 2014 में या 15 में, समवेयर अराउंड दैट, ठीक है। और आप पिचिंग होती है, मेंटोरिंग होती है, जिस तरह कॉम्पिटिशन में हो रहा होता है, फिर सारे लोग नस्ट के ना अपने रूम्स में आपको गद्दे लगा देते हैं, तो सारी टीम्स उधर रहरी होती हैं। जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा तो ये मेरे ख्याल से था, तो वी वर स्टूडेंट, हम अपना एज एफआईपी इसको पिच कर रहे थे, मगर हम प्लान 9 में आ चुके थे, तो वी हैड स्लाइटली ब्रॉडर होराइजन के क्या है, क्या बनाना है, किस तरह पिचिंग होती है। जनरली बाकी जो लोग थे वो प्रोडक्ट्स लेकर आए हुए थे, कुछ यूनिवर्सिटी लेवल के, कुछ इम्प्रूव लेवल के। एक चीज़ जो मैंने देखी वहाँ पे, दैट इज लोग हमसे पूछते थे क्या कर रहे हो, हम बता देते थे। मैं आपको एक रूम में बता रहा हूँ जहाँ कोई 50 बंदे लड़के हैं, ठीक है, लोग नहीं बताते थे अपने प्रोडक्ट के बारे में, कल कल देख लेना, कल पिच में देख लेना, कल कल पिच में देख लेना। भाई मैं अपना प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, मैं एक चीज़ पे काम कर रहा हूँ, आप एक चीज़ पे काम कर रहे हो, मैंने आपसे सिर्फ पिच मांगी है, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे अपना पूरा बिजनेस प्लान खोल के बता दो क्या कर रहे हो, क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ से सप्लाई लाते हो, कहाँ से डिमांड लाते हो। सो पीपल आर वेरी रिलक्टेंट इन आइडियाज स्टीलिंग, ठीक है। अगर आप वैसे भी सर्च करेंगे कि आइडियाज की वर्थ क्या होती है, तो दैट इज सॉरी टू से दैट्स निल। खाली आइडियाज के ऊपर ना फंडिंग मिलती है, ठीक है, मेरे ख्याल से ताली भी नहीं बचती खाली आइडिया अगर आप दें किसी को। सो जनरली आइडियाज आर वर्थ, मेरे नहीं ख्याल से एनीथिंग एट ऑल, इट्स एग्जीक्यूशन दैट मैटर्स, इट्स द टीम दैट मैटर्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं और आपको 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मैं आपके बारे में ऑनलाइन पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये तो बड़ा मजेदार काम है और ये मैंने शुरू करना है, मैं शुरू करता हूँ। पहली चीज है, मैं 2 महीने पीछे हूँ आपसे, 3 महीने पीछे हूँ आपकी एग्जीक्यूशन में, आपकी नॉलेज में। आपने एक काम शुरू किया बिकॉज यू वर ड्वेल्ड इन टू दिस, यार मैंने एक काम करना है, कि बाय द हार्ट आई वो हैड दिस पुल के आप एक काम करें, मैं कर रहा हूँ एक काम आपका छापा लगाने के लिए, ठीक है। अनलेस यू आर अ वेरी बैड एग्जीक्यूशनर, वेरी वेरी बैड एग्जीक्यूशनर, मेरा कोई चांस नहीं है उसमें थ्राइव करने का, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से दिस मेक्स वेरी मच सेंस, कि अगर आप आइडियाज, अगेन आप आइडियाज डिस्कस कर सकते हो, कोई चोरी कर सकता है, वो उसकी अपनी एग्जीक्यूशन है। आइडियाज पहली बात है बोरो हो नहीं सकते, आज हम जिस एज के अंदर हैं, जो जस्ट सेइंग हमारी यूनिवर्सिटी रिसर्च बेस्ड नहीं है, तो आज इधर बैठ के या तो कोई कोरोना का इलाज बना ले और वो चोरी हो जाए, तो मैं कहूँगा हाँ यार ये कोई हैवी लेवल की चोरी हो गई है, ये नहीं होनी चाहिए। मगर हर कोई फूड डिलीवरी कर रहा है, आज आप ही शुरू कर देंगे तो वो आइडिया चोरी नहीं हुआ, ठीक है। हर कोई एक जमाने में फ्रोजन योगर्ट बेच रहा था, किसी और ने कोई फ्रेंचाइज ले ली, तो आइडिया चोरी नहीं हुआ। इट इज अगेन लोग डिफरेंट एग्जीक्यूशंस के साथ चीजें बिल्ड कर रहे हैं, सो यू कैन नॉट स्टील आइडियाज मार्केट के हिसाब से भी। सो मेरा लॉजिक तो ये है कि अगर मुझसे कोई पूछता है क्या नाम है अपना, ट्रैवलिंग के टाइम पे क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, दूसरी चीज है कि यार आप स्टेल्थ मोड के अंदर, स्टेल्थ मोड का मतलब ये है कि मैं जनरली मार्केट में ये चीज नहीं बताना चाह रहा मैं क्या काम कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, ठीक है। मैं कहता हूँ यार मैं काम कर रहा हूँ, मेरा नाम के साथ ये टैग लगना है, बट आई वॉन्ट कि जब ये फुली रेडी हो टू थ्रो इन द मार्केट तब मैं आऊँ, क्योंकि क्रेडिबिलिटी पे भी बंदे की फर्क आ जाता है। बट जस्ट टू शेयर के यार मैं शेयर नहीं कर सकता, आइडिया चोरी होते हैं, मेरे ख्याल से दैट इज अ वेरी अब्सर्ड क्लेम, के फॉर मी दैट डजंट एग्जिस्ट। Other person will beat you down. अगर आप में वो passion नहीं है, और the failure will be because of your own self. अच्छा एक है कि सिर्फ idea की stealing से लोग बड़ा डरते हैं, हालांकि ये बात बार बार हम quote कर चुके हैं different platforms के ऊपर,
कि सारा बिजनेस मॉडल आपके पास है, सारा विजन आपके पास है, सारी एक्टिविटीज आपके पास है, तो इट डजंट गेट सेंस कि आपका आइडिया चोरी हो जाए. लेकिन स्टिल दे वांट टू रजिस्टर द आइडिया. आई मीन वो तो ठीक है, वो तो सब स्टार्टअप का राइट होता है कि वो उसको रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके आईपीओ की तरफ जाएं. इस पे आप क्या कहते हैं कि किस नेचर के, किस लेवल के, किस स्केल के बिजनेसेस को किस स्टेज पर आकर रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहिए और रजिस्ट्रेशन के मैकेनिज्म्स क्या हैं? लाइक ICCB में जाना है या FBR में जाना है? देखिए, आप SCCB के साथ तो आप रजिस्टर कर सकते हैं. मैंने आखिरी कंपनी बड़ी देर पहले रजिस्टर करवाई थी, मगर मैंने सुना कि 3,000-4,000 रुपए में हो जाती है. ठीक है, मेरे ख्याल से देखें, एक है चीज पेटेंट करना. तो शयान का शायद आप सबको पता हो, स्टार्टअप का नाम क्या था शयान का? ही वॉज वर्किंग ऑन वाटर फिल्ट्रेशन इन NIC लाहौर आज से 1.5-1 साल पहले. ठीक है, उसकी ब्रेक थ्रू थी कि उसने मेम्ब्रेन बनाया जो गंदे से गंदे पानी को फिल्टर कर देता है. ठीक है, दिस वॉज अ डिस्कवरी. ठीक है, ये पेटेंट होती है, ये फाइल होती है, ये चोरी होना दुख वाली बात है. ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर उसकी सालों साल की साइंटिफिक रिसर्च है. आप नर्स के इंक्यूबेटर में जाते हैं, उधर उनके पेटेंट्स फाइल हुए हैं उनकी, जिस जहाँ पे TIC है उनका. ठीक है, अगर उन पे कोई बिजनेस बन रहा है उन रिसर्चेस पे, वो चोरी की जाए वो खतरनाक है. अब मुझे बताएं, मैं कहता हूँ कि मैं आपको मैं देता हूँ ये क्या कहते हैं आपको, धोबी ऑन डिमांड की सर्विस. ठीक है, उसमें क्या ऐसी चीज है जो चोरी नहीं हो सकती? पूरी जिंदगी आपने भी धोबी को कपड़े दिए, मैंने भी दिए, कोई ऐसी चीज तो नहीं चोरी. इसमें एग्जीक्यूशन आती है. ठीक है, आप एक खोलते हैं न्यूटेला नान का स्टोर और मैं खोलता हूँ न्यूटेला नान का स्टोर. ठीक है, जिसने मार्केट लेके जानी थी ना पहले न्यूटेला नान पे, वो ले चुका है, बस उस पर आ चुका है. ठीक है, अब आप उसमें क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, मैं क्या चेंजेस लेकर आ रहा हूँ, हम हमेशा सेकंड इन द मार्केट कंसिडर होंगे. ठीक है, तो मैं फर्क आएगा तो आएगा. ठीक है, हाँ, कोई बहुत कोई जबरदस्त कोई नई चीज आ गई तो आ गई, यानी अगेन दैट डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का, ऑडियंस किस तरह की जा रही. मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन आप शुरू करें द टाइम यू लॉन्च द सर्विस, आप उसको रजिस्टर करवाएं, आप ट्रेडमार्क करवाएं, ये इंपॉर्टेंट काम है. जब मैं कहता हूँ कि मैं शॉर्ट लिस्टिंग करता हूँ ना यार, मैं अपनी कंपनी का नाम XYZ रखता हूँ. ठीक है, मैं फौरन जाऊंगा, मैं लिंक्डइन के ऊपर उसका एक्सेस रखूंगा, फेसबुक पे पेज बनाऊंगा ताकि वो नाम कहीं और ना जाए. सबसे पहले मैं काम करूंगा उसका, मैं URL खरीदूंगा. अगेन वो मेरी, क्योंकि कल को जाके ब्रांड इक्विटी का हिस्सा बनेंगे, मेरा ब्रांड उस नाम से जाना जाएगा, तो मैंने वो चीजें रिजर्व फौरन कर ली. ठीक है, फिर व्हेन आई एम स्टार्टिंग द ऑपरेशंस और मेरे मैं और आप पार्टनर है. ठीक है, वी वॉन्ट टू इंश्योर कि यार हमारी कंपनी चलनी किस तरह, टूटनी किस तरह, वी नीड टू बी ऑन द सेम पेज. सो तब आप जाएं और आप रजिस्टर करवाएं और बिस्मिल्लाह काम शुरू करें अपना. So, जरूरी नहीं है मैं इंक्यूबेटर में हूँ तो मैंने रजिस्टर करवानी है. ठीक है, मगर मैं आइडिएशन स्टेज पे निकल गया, पहले 6 महीने होता है, co-founder टूट जाते हैं. अब पहले टूटेगा, फिर आप उसको लीगली फाइल करोगे XYZ. सो ठीक है, गिव योरसेल्फ 8 months, 6 months आइडिएशन फेज से निकलो, MVP पे काम कर रहे हो और देन फाइल फॉर अ कंपनी. सही. अच्छा, इसके ऊपर शायद आपको आइडिया हो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्सेशन में काफी ज्यादा रिलैक्सेशंस दी हैं न्यू स्टार्टअप्स को. पिछले दिनों प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई हुई थी जिसके ऊपर रिलैक्सेशन का काफ़ी ज़्यादा उसमें था कि न्यू स्टार्टअप्स को हम दे रहे हैं टैक्सेशन के लिए. तो SCCP जो है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करके मेरा ख्याल है बहुत सी स्टार्टअप जो हैं वो स्ट्रक भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टैक्सेशन इशूज. तो डोंट यू सजेस्ट देम कि वो इनिशियली लेवल पर स्मॉल स्केल पर उन्हें पहले FBR में ही सिर्फ रजिस्टर होने के लिए काफ़ी होता है? मेरे ख्याल से यस. मैं आई माइट नॉट बी द राइट पर्सन टू आंसर दिस राइट नाउ, क्योंकि इस प्रोसेस से मैं बहुत पहले, आज से कोई 6 साल पहले गुजरा था. क्या सो मगर जस्ट सेइंग, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मुझे ये भी नहीं, अब आपने मुझे कहा कि स्टार्टअप्स को छूट दी है गवर्नमेंट ने, जो मुझे पता है दैट इज कि IT एक्सपोर्ट्स पे है. सो जो लोग आपको इधर फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे रहे हैं, IT सर्विसेज दे रहे हैं, वो घुमा के शो कर सकते हैं कि यार ये फ्रीलांस बनी आया है और उसके ऊपर 2022-2023 तक छूट है. ठीक है, बाकी ऐसे हमें ऑन डिमांड सर्विसेज को कोई छूट नहीं है. ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हम लेट सपोज ऑनलाइन डिमांड एक स्टार्टअप है इस्लामाबाद में जो आपको ये क्या नाम है मेड ऑन डिमांड देता है, कुक ऑन डिमांड देता है. ठीक है, अब उसका लेवल इतना छोटा है कि ठीक है वो अपने आपको लीगली कंपनी रजिस्टर करवाए. ठीक है, मगर
जब तक वो खुद टैक्सेशन, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जब आप FDR की बात कर रहे हैं ना तो बहुत अलग तरह की टैक्सेशन है आज तक दुनिया पे, पाकिस्तान में एक क्वेश्चन है क्योंकि लॉज नहीं थे कि ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास जाएगी या फिर मैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के पास जाऊंगा, मैं अगर फूड हूँ तो मैं रेस्टोरेंट में ऑनलाइन फूड डिलीवरी देता हूँ तो मैं क्या ट्रांसपोर्ट के पास जाऊंगा या मैं कॉमर्स के पास जाऊंगा या मैं फूड इंडस्ट्री के पास जाऊंगा, ठीक है। सो इस तरह की स्टेट पाकिस्तान में नहीं बना हुआ कोई लॉज इस तरह के, ठीक है। सो जनरली अपने आप को फंसाने वाली बात है, अगर आप ज्यादा अपने आप को लीगली ड्वेल करते हो, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, व्हेन यू ग्रो एनफ राइट बॉडीज विल इवेंचुअली अप्रोच यू योरसेल्फ, ठीक है। सो मेरे ख्याल से कंपनी रजिस्टर करवाएं, उसकी टैक्स फाइल करें, अपने लॉयर को रखें, अगर वो आपको एडवाइस कहते हैं कि आपको किसी चीज पर रिबेट मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता लेट गो विद द फ्लो। ठीक, ओके। अब बहुत से हमारे स्टार्टअप्स ऐसे आते हैं जो शुरू में ही फंड रेजिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, वो कि हम जैसे आपने भी पहले बात की कि पहले आपका कुछ MVP या आजकल शायद आप MLP उसको कह रहे हैं, तो MLP तक पहुंच जाएं और उसके बाद आप फंड रेजिंग की तरफ जाएं, और फिर आप अगर वो भी अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जो स्टार्टअप्स आइडिएशन स्टेज में हैं, जो एक्सेलरेशन स्टेज में हैं, देखें मैं मेरे ख्याल से मैं भी जब काम शुरू करूँ तो मैं कहता हूँ यार पैसे होने चाहिए और किसी तरीके से इन्वेस्टर आ जाएं, और एनी आप कर रहे हो या इस कॉल में जितने लोग हैं या कहीं किसी इंक्यूबेटर से उठा ले तो हर किसी को फंड रेजिंग चाहिए। रियलिस्टिकली वी नीड टू सी यार कितने लोग हैं जो सीड राउंड या प्री सीड इन्वेस्टिंग करते हैं पाकिस्तान, ठीक है। आप उन पर वर्कआउट करो, लेट सपोज आपको मिलेंगे 5 लोग, फिर 5 लोग ये नहीं होगा कि वो 5 लोग रेडी बैठे हैं कि बेटा आओ और पैसे ले लो आपका MVP बहुत अच्छा है। जो काम आप कर रहे हो क्या वो आपके वर्टिकल में पैसे प्रीसीड इन्वेस्ट भी करते हैं? आप काम कर रहे हो फिनटेक में, जो 5 में से 3 लोग हैं वो लॉजिस्टिक्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। वो हेल्थ टेक की उनकी डोमेन ही नहीं है फिनटेक, तो वो आपको क्यों फंड देंगे? पहली ये चीज है, अपने आप को ये क्लियर हेड हो कि यार मुझे पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो फंड कर सकते हैं और उनके पोर्टफोलियोज कैसे हैं, ठीक है। दूसरी चीज है, फंड रेजिंग इज अ चैलेंज इन इटसेल्फ, ठीक है। आप आज शुरू होंगे तो आपको कम से कम 1.5 साल लगेगा पाकिस्तान में एक आइडिएशन स्टेज को टू स्ट्रगल, क्योंकि देखें जो दूसरी साइड पे बंदा बैठा हुआ है ना, आप तो 2 महीने हुए विद MVP और बहुत अच्छी ट्रैक्शन आ रही है, वो ये नहीं होगा पहले महीने आपको चेक दे देगा, वो कहेगा मुझसे आज आप मिल रहे हो, लेट्स मीट ऑन मंथली बेसिस, मुझे तो मंथली अपडेट्स भेजा करो, ठीक है। वो आपकी आपकी ट्रैक्शन देखेगा, आपका रेवेन्यू देखेगा, ठीक है, उसके हिसाब से ही विल टेक। सो जनरली मुझे पता है डील्स फाउंडर्स VC से मिले जनवरी में और अगले साल मई के अंदर डील्स हो रही है, क्योंकि VC ने भी तो वैल्यूएट करना है फाउंडर का कैलिबर कितना है, इसके 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 बिजनेस में कितनी स्ट्रेंथ है, वर्टिकल ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि लेट सपोज मेरा कोई टेक्नोलॉजी, मेरा टिकटिंग का बिजनेस है, ठीक है, मैं सनमाज की टिकटिंग करता था और मैं पूरे सनमाज मैं छाया हूँ इंडस्ट्री में, और एकदम आपका कोविड आ जाता है, सनमाज बंद हो गए, ठीक है। अब क्या कोई VC मुझ पर बेट ऑन करेगा? नहीं करेगा, चाहे मेरा थ्राइविंग बिजनेस था, मैं मुझे रियलिटी ने हिट किया एंड द बिजनेस वाज नॉट देयर। सो अगेन दिस डिपेंड्स कि आप किस स्टेज में हो, आप किस मार्केट में हो और क्या किस तरह का VC किस तरह के बंदे से, क्योंकि हर बंदा जिसके पास पैसा है वो आपको पैसे नहीं देगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, एक चीज ये हो सकती है कि देखें अगर आपको समझ आती है कि जिस वर्टिकल में आप काम कर रहे हो लोग पैसे नहीं देते, तो आप फ्रेंड्स एंड कम्युनिटीज में देखें यार थोड़े से पैसे तुम ला दो, थोड़े से पैसे तुम ला दो और हम ये काम शुरू कर दें, तुम मुझसे 15% रख लो, ठीक है। अगर ये भी नहीं हो रहा, पाकिस्तान में मसला है, दोस्तों के पास पैसे नहीं, फैमिली के पास पैसे नहीं, गूगल खोलें और सर्च करें इंक्यूबेटर्स एक्सेलरेटर्स जो सीड फंडिंग करके देते हैं, फिर अपने आप को उस कैलिबर के ऊपर लेकर आए कि आप उन एक्सेलरेटर्स में बाहर एक्सेप्ट हो सकें जो आपको $1,00,000 $1.5 लाख $75,000 सीड फंड दे सकें। सो दीज आर द थिंग्स टू गो अबाउट। इसके ऊपर तलाल भाई एक और चीज है कि ये जो
आपकी फंड रेजिंग के इश्यूज हैं, इसमें बहुत से लोगों के डिफरेंट किस्म के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, डिफरेंट किस्म की इक्विटीज हैं. जितना हमने इसके बारे में लोगों को ब्रीफ किया और खुद से भी सीखा है, तो वो कोई एक सिंगल टर्म्स सिंगल टाइप ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है जिसमें लोग प्रॉफिट में इक्विटी क्लेम करते हैं या कंपनी की. यासिर भाई, यासिर भाई आपकी आवाज बहुत ज्यादा टूट रही है, सॉरी. ओके, अभी आपको आवाज आ रही है? इधर जी. शुड आई कंटिन्यू? नहीं, आप वहां से दोबारा करें कि फंड रेजिंग, उससे आगे मुझे आवाज नहीं आई थी. ओके, अच्छा, पाकिस्तान के अंदर बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फंड रेजिंग के दौरान डिफरेंट किस्म के टर्म्स एंड कंडीशन सामने आती हैं. कोई एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स नहीं है. कुछ कंपनीज हैं, कुछ वीसी फर्म्स ऐसी हैं जो इक्विटी के लिए, इक्विटी के तौर पर आपके साथ आपके प्रॉफिट शेयरिंग में शेयर मांग. कुछ होती हैं जो क्लेम करती हैं कि सिर्फ हमें कंपनी के, आपके स्टार्टअप के अंदर हमें उसके शेयर्स एट द टाइम ऑफ सेलिंग और रेजिंग मोर फंड्स तब हमें चाहिए, अदरवाइज हमें आपके प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है, आपके रेवेन्यूज में से नहीं कुछ लेना देना. और कुछ का सिर्फ ये क्लेम होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो रॉयल्टी सर्विसेज हैं यानी कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके अंदर अपना शेयर चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए. अच्छा, इसके अंदर आपके स्टार्टअप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि वो बड़े इनएक्सपीरियंस होते हैं, उन्हें आइडिया नहीं हो रहा होता कि हमें किस चीज़ के ऊपर आकर कहाँ पर ये डील फाइनल करनी चाहिए. तो डू यू हैव एनी टिप फॉर देम के कहां पर क्या होना चाहिए, उनको किस स्टेज पर आकर? सो मेरे ख्याल से आप देखें तो दिस अगेन वेरी मच डिपेंड्स के स्टार्टअप के स्टेज पे उसको चाहिए क्या. मैं कहता हूं कि मेरे पास आज एक बंदा पैसे लेकर आता है, वो कहता है कि यार तुम ये टेक्नोलॉजी सर्विसेज अमेरिका दे रहे हो, ठीक है यार, तुम्हारे पास तीन लोग हैं और तुम महीने का कर लेते हो $5,000 अपना प्रॉफिट में, ठीक है, $10,000 कर लेते हो, मैं तुम्हारे साथ लगाता हूँ ₹70,00,000, टीम बड़ी करते हैं, मैं तुम्हें अमेरिका भेजता हूँ 2 महीने के लिए, तुम जाओ यूजर्स लेकर आओ, या मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं यूजर्स लेकर आता हूँ, ठीक है. अब इस हिसाब से वो कंपनी में स्टेक होल्डर बनेगा, जब वो स्टेक होल्डर मिलेगा और मैं पैसे कमा रहा हूँ तो मैं क्वार्टरली उसको डिविडेंड्स भी दूंगा, ठीक है. सो वो क्या आता है, वो मेरी प्रॉफिट शेयरिंग में आता है. जनरली जब आप VCs को देख रहे होंगे तो वो जब इक्विटी लेते हैं तो कंपनी की ओनरशिप ले रहे हैं, ठीक है. मैं मेरे ख्याल से मैंने अभी IP लेवल वाले स्टार्टअप्स के साथ कोई ऐसे काम नहीं किया जो मुझे इतना आइडिया हो इस चीज का, मगर अगर आप जनरली आइडिया लें, सो अगेन कमिंग टू दिस थिंग कोविड वाली, तो एक डॉक्टर वो कहता है मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बायोमेडिसिन में आ जाता हूँ, ठीक है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे एक EM3 कंपनी है, वो मुझे आके कहती है कि वी विल गिव यू $10 million, ठीक है, ये IP को हमारे साथ होना चाहिए, ठीक है, जो 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 तुम सोल्यूशन बना रहे हो, क्योंकि उन्हें पता है यार वैक्सीन बननी है, वैक्सीन बिकनी है, उस एंगल के ऊपर. सो वहां के ऊपर वो रॉयल्टी आती है, वो स्टेक होल्डरनेस आती है, बाकी तो कंपनी का देखें स्ट्रक्चर है. मैं उबर हूँ, मैंने आपने मेरे में पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, मैं जब एग्जिट करूंगा आपको पैसे मिल जाएंगे. हर VC जो है वो आपकी कंपनी में बेट करता है कि अगले 6 से 7 साल में इसका पोटेंशियल क्या होगा, और जब ये एग्जिट करे तो मैं पैसे कमा लूं, ठीक है. सो जनरली मेरे पास जितना वास्ता लोगों का ज्यादा पड़ा है, एवरीवन इज इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस परसेंटेज, इक्विटी स्टॉक्स इजीली डाइल्यूटेबल होते हैं, ठीक है. सो दिस इज द एंगल आई नो. बिल्कुल सही. अच्छा, इसी के अंदर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कंपनी वैल्यूएशन, जो कि बहुत सी VC फर्म्स आपसे मांग रही होती है, डिमांड कर रही है कि आपकी कंपनी वैल्यूएट कहाँ पर हो रही है. इसके लिए भी डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज हैं, इसमें आपकी कोई टिप है को खास के कंपनी वैल्यूएट करते हुए सिर्फ आप इन फैक्टर्स को सामने रखें तो दैट विल बी. मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि मेरी 10 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, और मैं आपसे जो वैल्यूएशन उसके हिसाब से करूंगा. सो मैं फाउंडर हूँ, मैं तो कह सकता हूँ आज मैंने ये पेन बनाया है और ये 2 करोड़ का पेन है, अगर आपको चाहिए तो आप 2 करोड़ दे दें, ठीक है. एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, फाउंडर्स की अगेन एक माइंडसेट है, आप व्हेन यू आर द फाउंडर और आपकी बैकवर्ड रिसर्च स्ट्रांग है, आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग है, अगर आपको पता है तो आपको उसकी वैल्यू भी पता होगी, ठीक है, कि मार्केट क्या है, मैं ग्रो कितना कर सकता हूँ. जो VC है, ट्रस्ट मी, उसके पास जितनी मर्जी टीम्स हो उसको आपकी मार्केट का नहीं पता. यू आर द वन हु इज गोइंग टू एजुकेट हिम के मार्केट क्या है.
वो अपने बीसी वाले सवाल मनी मेकिंग क्वेश्चंस फेंक सकता है, आपको तबाह बर्बाद कर सकता है वो सवाल फेंक के, मगर उसको इंडस्ट्री नॉलेज नहीं होगी कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ वो आपको पता है क्योंकि आप फाउंडर हैं। मगर वीसी एक काम अच्छा कर सकता है, दैट इज दैट ही हैज द रिसोर्सेज टू एवेल्युएट मार्केट्स। वो मार्केट ट्रेंड देख सकता है कि यार बाहर एग्जिट इतने की हुई है, तो पाकिस्तान में इतनी आवाम है, इतनी मोबाइल फोन पेनिट्रेशन है। फिर सीन ये है कि यार जो आपका स्टार्टअप है ना उसके पीछे और कोई वीसी इन्वेस्ट करने नहीं चल रहा, सो यू आर ड्राइंग आउट राइट नाउ। सो मैं अगर इन्वेस्ट करता हूं तो आई एम द ओनली प्लेयर है। सो वीसीज हमेशा जो लास्ट वैल्यूएशन होती है ना वो आपको वीसी देता है, आप अगेन उसको निगोशिएट कर सकते हैं। मगर आप कहते हो कि यार मैंने मैंने 1 करोड़ रेज करना है, ठीक है, उसके अगेंस्ट मैं आपको 10% दूंगा या मैं 20% दूंगा, ठीक है, मुझे बताओ क्या है। अगर मैं 20 दे रहा हूँ तो 5 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, अगर मैं 10% दे रहा हूँ तो 10 करोड़ की कंपनी है। वीसी कहता है कि भाई नहीं, अभी तो तुम्हारा प्रोडक्ट इतना कम है, अभी आपका आपकी यूजर बेस इतनी कम है, अभी तो रेवेन्यू ही नहीं है, नंबर्स मैच कब करोगे, हम पैसे कब बनाएंगे, तुम अगला राउंड कब करोगे। तो मार्केट स्टडी करके आपको अपनी वैल्यूएशन देता है, फिर आप उसके ऊपर नीचे बॉर्डर और द फ्रिक्शन आप वैल्यूएट करते हो, हाँ $1 million की कंपनी कर दी है। सो दीज आर लेटर थिंग्स। सो वैल्यूएशन की असली गेम जनरली नहीं होती, क्योंकि इट इज द रियल थिंग इज कि आप उससे इक्विटी निगोशिएट करें तो ये बंदा कितने पैसों में कितनी ज्यादा इक्विटी लेके जा रहा है। वैल्यूएशन इज अ वेरी क्राउन वर्ड। बिल्कुल सही, लेकिन मांगी तो ज्यादातर ये स्टार्टअप टीम से ही जाती है कि वो अपनी अपनी वैल्यूएशन अपनी दें और उसके बाद हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो वैल्यूएशन का ही मतलब है ना कि आप कितनी इक्विटी पे क्या देना चाह रहे हो, और या इस वक्त आपकी ओवरऑल कंपनी की वर्थ क्या है, और उसके बाद फिर ये बात कि आप हम आपको आप इतना डिजर्व करते भी हो या नहीं जितना आप मांग रहे हो, ऐसे ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, यू हैव समथिंग एल्स ऑन दिस और नेक्स्ट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अच्छा जी, अब फर्स्ट 100 बिजनेस लीड्स स्पेशली इन सर्विस एरिया, कैसे वो हमारे स्टार्टअप्स को क्रिएट कर सकें? फर्स्ट 100 बिजनेस लीड्स, या अच्छा मैं आपको बता दूं, cloudlead.com में कंपनी है, ठीक है, आप वेबसाइट पे जाएं और उन्हें पैसे दें, आपको जिस तरह का जो बंदा चाहिए आपको दे देंगे, और ये पाकिस्तानी कंपनी है, इस तरह की बेतहाशा लीड जनरेशन की कंपनी है, ठीक है। जब मैं कहता हूँ कि यार एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जब मैं कहता हूँ मैंने पाकिस्तान के लिए लीड जनरेशन करनी है, उसके मैकेनिक्स डिफरेंट है, जब मैंने बाहर करनी है डिफरेंट है। सो व्हेन आई से लीड, मैं टेली हेल्थ का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, अब मैंने मुझे डॉक्टर की लीड चाहिए, ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं हॉस्पिटल चला जाता हूँ, मैं 4 हॉस्पिटल लगाऊंगा, मेरे 100 डॉक्टर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। मुझे पेशेंट्स चाहिए, अगर मैं मेडटेक में हूँ, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, मैंने लीड कलेक्ट करनी है। सो ये तो आपने अपने लिए वो सर्वाइवल मोड खुद ढूंढना है। डिजिटली मैंने आपको बताया है, लीड जनरेशन के लिए फेसबुक ग्रुप्स अवेलेबल हैं, लिंक्डइन आपके पास अवेलेबल है, लिंक्डइन की फ्री में आप प्रीमियम एक्टिविटी ऑन करवाएं, फ्री मैसेजेस लोगों को भेजें, आप 1000 मेल करेंगे तो 10 रिप्लाई आएंगे, ये याद रखना, ठीक है। आपने कौन सी वेबसाइट बताई है अभी? cloudlead.com। ये तो वो है ना जो डोमेन वगैरह रजिस्ट्रेशन करके देते हैं। cloudlead.com, रुके, .com है, .net अभी मैं आपको बता देता हूं। .com पे तो यही आ रहा है। सॉरी, cloudlead.co। .co। सो आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, यू नीड टू नो के आपके लिए क्या सही चीज है। फेसबुक है, लिंक्डइन है, इस तरह की बेतहाशा कंपनीज आपको मिल जाएंगी जो लीड जनरेशन डेटा आपको निकाल के देती हैं। नहीं, वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन फिजिकली ऑन रियल ग्राउंड्स आपने जब अपने 100 बिजनेस लीड्स न्यू आपने जो इनिशिएट करनी है अपने नए स्टार्टअप के अंदर, यही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है स्टार्टअप्स के लिए। फर्स्ट 100 इज ऑलवेज द मोस्ट डिफिकल्ट। सो मैं आपको बताता हूँ, जब मैं ट्रैवल कर रहा था, सो फर्स्ट 100 लीड्स हमने हिट की प्रोबेबली सेकंड मंथ में या थर्ड मंथ में, ठीक है। मगर अगेन मैं सर्विसेज इंडस्ट्री में नहीं था, मेरा प्रोडक्ट एज अ सर्विस था, जो रिक्शा था मैंने उसको डिजिटली मार्केट किया, लोकल मार्केट थी उसके, मैंने डिजिटल मार्केटिंग करते हुए उसकी ब्रांड
जो था बहुत लोकल रखा, मैंने मैंने रखा जो मैं उसकी ब्रांड कम्युनिकेशन कर रहा हूँ वो सिंपल होनी चाहिए, हर किसी को समझ आ सके, और आप उसको राइटली टारगेट करो तो लीड्स मेरे पास आ गए. एंड सेम इज द केस फॉर करीम जो टारगेटिंग करता है, या एयरलिफ्ट जो टारगेटिंग करता है, या फूड पांडा जो टारगेटिंग करता है. ये तो आप ब्रांड्स बन गए, मगर आप इनको 4 साल पीछे ले जाएं, एयरलिफ्ट को 1.5 साल पीछे ले जाएं, तो आपको नहीं पता एयरलिफ्ट क्या आ रहा है. तो उन्होंने अपने ब्रांड के हिसाब से आपको डिजिटल मार्केट में बताया ना कि वी आर सर्विस वी कर रहे हैं. करीम ने आज से 4 साल पहले लोगों को बताया कि भाई एक्स अमाउंट ऑफ की राइड है, आओ 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 करो. दूसरी लीड जनरेशन है जो कैप्टन्स थे, ठीक है, उनकी लीड जनरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कस्टमर्स. उनकी लीड जनरेशन ये होती थी कि यू वांट टू मेक मनी, 70,000 रुपीज अ मंथ, कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर. कॉन्टैक्ट करते थे, उस नंबर पे मिस कॉल चली जाती थी, हमने सर्विसेज ली हुई थी एक आउटसोर्स कंपनी की, वो लीड जनरेशन करते थे, हमें डेली के हिसाब से डेटा देते थे, उस डेटा पे हम फिर कॉल्स किया करते थे. फिर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब हमने सप्लाई रीएक्टिवेट करनी होती थी तो हम डीएक्टिवेटेड लीड्स उठाते थे, जो लोग क्रीम के प्लेटफॉर्म पे आए और वो टर्न आउट हो गए, उस लीड्स को उठाया और उसके बाद उन लीड्स को हमने दोबारा कॉल्स करके खुद मैंने पूछा हुआ कि आप आए क्यों नहीं आए, क्या मसला हुआ, अब हम आपको नया बोनस वगैरह दे रहे हैं, उन लीड्स को आपने रीएक्टिवेट किया. सो अगेन दिस वेरी मच डिपेंड्स ऑन योर स्पेसिफिक मॉडल कि आप क्या कर रहे हैं. अगर तो आप कह रहे हैं कि यार मैं सिर्फ सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं वेबसाइट दूंगा, मैं कंटेंट दूंगा पाकिस्तान से बैठ के बाहर, ठीक है, तो इट्स स्लाइटली टफ एंड यू नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटी, ठीक है, कि गोरा अगेन बड़ी मुश्किल से रिप्लाई करता है, ठीक है. या तो आप उधर रेदर देन इंडिविजुअल कंपनी ओनर्स को ढूंढने की जगह आप उधर एजेंसियां ढूंढे, ठीक है, जो ये सर्विसेज देती हैं, ठीक है, उन्हें कहो कि यार वी वॉन्ट टू बी योर बैक एंड ऑफिस, ठीक है. अब वो जो उधर बंदा ऑन ग्राउंड है ना, वो लीड्स लेकर आएगा, वो अपना कमीशन निकालेगा, आपको काम देगा, आप बैकएंड ऑफिस हैं उस गोरे का. लीड्स इस तरीके से आएंगे, या तो फिर आप जाएं पैसे खर्च करें, अमेरिका जाएं, नेटवर्किंग बिल्ड करें, आपकी लीड्स फिर जनरेट होंगी. तो अगेन डिपेंड कि आप सर्विस क्या दे रहे हैं और किस मार्केट को दे रहे हैं. जी बिल्कुल सही. अच्छा, कुछ ऑडियंस की तरफ से भी हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं. कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू लग रहा है मुझे. एनीवेज, शहराज नसीर साहब हैं, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन के व्हाट डू यू थिंक इज द स्कोप ऑफ ऑटोमेटेड चैट बॉट्स डेवलप्ड यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग. अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, अगेन अपना बैकग्राउंड दे दूं, मेरा राइड हेलिंग से बहुत बैकग्राउंड है. आई हैव बीन स्टार्टअप फाउंडर, आई रन इट फॉर 3 इयर्स एंड कंट्रीज इन टेक्निकल स्टार्टअप. सॉरी, आपकी आवाज काफी डिस्टॉर्शन आ रही है. हेलो, आवाज आ रही है? बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है मेरे ख्याल से. जो नहीं, बाकी सारे अगर म्यूट कर लें तो डिस्टॉर्शन चली जाएगी. ओके, लेट मी म्यूट माय सेल्फ. या मैं अभी भी, ये एक नवाज हैं, इनका इनको भी अगर म्यूट कर दें, वैसे आवाज नहीं आ रही उनकी तरफ से. ओके, सो हम बात कर रहे थे. अच्छा, सो अगेन मेरा एक सर्टेन स्किल सेट है, एक नॉलेज है, ठीक है. मैं आपको टेक्निकली नहीं बता सकता कि किस हिसाब की मैसिव इंडस्ट्री है, मगर आप इस वक्त देखो तो चैट बॉट्स पे फेसबुक भी काम कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, चैट बॉट्स इन डिमांड है, ठीक है. मैं जनरल ट्रेंड्स ही आपसे डिस्कस कर सकता हूँ एज पर माई एक्सपर्टीज जो है. सो दुनिया AI की तरफ जा रही है, इट इज अ गुड बिजनेस टू बी इन, ठीक है. You just need to see कि आप किनको यार ये सर्विस दे सकते हो. आपकी आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में या तो चीपेस्ट होना चाहिए या फास्टेस्ट होना चाहिए. अगर वो सबसे अच्छा है तो आप महंगा भी बेच सकते हो. सो यू नीड टू एवेल्यूएट दिस ऑन योर एंड के किस पूल में आप खेलना चाह रहे हो. अगर आपके पास कोई सवाल है तो आई एम विलिंग टू टेक दैट ऑन, प्लीज बता पूछो आप. मैं मेरा ख्याल है मैं उनको अनम्यूट ही थोड़ा कर देता हूँ. शिराज, इफ यू वांट टू डिस्कस लाइवली देन यू आर बीइंग अनम्यूटेड नाउ. अस्सलाम वालेकुम, आई एम शिराज एंड इट्स ग्लैड टू हैव यू एंड इट्स रियली एनलाइटिंग टू लिसन टू योर टाइम. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर ये जो चैटबॉट्स हैं ये असल में आप वेब का दौर तो जो है आपको पता है कि हम IT में हैं,
तो अब उसके लिए लोग जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं देना चाह रहे, हर कोई चाह रहा है कि उसके पास ऑटोमेटेड चैटबॉट्स हो जो उसके प्रीवियस डेटा या क्यूरीज पे ट्रेंड हो और उसके जो कस्टमर्स हैं उनको रिटेन रखने में उसकी हेल्प करे। तो मेरा क्वेश्चन इस पर्सपेक्टिव में था कि आप कस्टमाइज चैटबॉट्स जो हैं डिफरेंट वर्टिकल्स पे अगर पिच किए जा सके तो क्या इज इट वर्थ एक्सप्लोरिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम? वर्थ एक्सप्लोरिंग से आपका मतलब है एज अ बिजनेस या एज अ स्टार्टअप जो फंडिंग रेज करे? नहीं, फिलहाल मैं बिल्कुल प्राइमरी स्टेजेस पे हूँ, मतलब इसको इस पे एक दो तीन MLPs ट्रेन करके आप प्रेजेंट कर सकें अगर इस पे एफर्ट पुट करें अगर तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इस वक्त मेरा करीम का एक एक्स कोलीग था जो दराज चला गया और दराज में वो इसी चीज पे काम कर रहा है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक दराज जैसी कंपनी है जो अली बाबा ओन करता है, ठीक है, जिनको हजारों इनबॉक्स आने हैं डेली। तो आप हजार बंदों, हजार के हिसाब से 200 बंदों की टीम तो नहीं स्केल कर सकते। सो अगेन दिस इज द फ्यूचर, डिफरेंट वर्टिकल्स आर द फ्यूचर। आज वो मुझे अगर ई कॉमर्स पे इंटीग्रेशन चाहिए तो कल को मुझे वो इंटीग्रेशन अपने टेली हेल्थ पोर्टल्स पे भी चाहिए होगी, मुझे फिनटेक पोर्टल्स पे भी चाहिए होगी। सो अगेन दिस मेक्स अ बिजनेस सेंस, बट अगेन उस प्रोडक्ट की मैच्योरिटी क्या है वो आप और आपकी बेहतर टीम जान सकते हैं। खूबसूरती ये कि यू इवेंचुअली, यानी मैं अगर इसको एक ब्यूटीफुल ड्रीम बना के बनाऊं तो ये हो सकती है कि यू बिल्ड दिस प्रोडक्ट, आप छोटी कंपनी को सर्विसेज देते हैं, आपको एक हिट एंड ट्रायल दराज के साथ भी मिलता है और दे आर हैप्पी विद यू, डेढ़ दो साल बाद वो आपकी टेक्नोलॉजी अक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आप कहते हो कि यार बिजनेस मॉडल नहीं है पाकिस्तान में, चैटबॉट तो है, आप जाके वॉलमार्ट को, आप XYZ कंपनीज को बाहर की जाके कैनेडा की, ऑस्ट्रेलिया की, दुबई की अपना चैटबॉट भेजते हो जो एक्चुअली जो आप कह रहे हो मशीन लर्निंग के हिसाब से इतना स्ट्रॉन्ग है टू रिस्पॉन्ड दीज इमोशनली करेक्ट क्वेश्चंस, तो मेरे ख्याल से यू हैव एन एक्विजिशन केस इन दैट। थैंक यू सो। जी ऑडियंस, इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो दे आर वेलकम टू रेज द क्वेश्चंस एंड otherwise we are going to say thank you to Talal sir for his precious time and wonderful tips and suggestions what he has given to the audience. To Talal sir, iske baad hum cha rahe hain ki hum jaise university reopen hoti hai to inshallah we'll be calling you over there as well for a live session with startups, and we are also looking for a few experienced mentors in certain areas, and we have already invited number of other people as well, but unfortunately there were this pandemic has caused number of barriers in certain things and progression has been stopped. So overall thank you so much Talal sir, it was really pleasure having you. I hope you will stay in connection, and for further queries I'll be sending you emails and I will be calling you again for the queries inshallah. Definitely. So, thank you Asif bhai. Allah. Thank you. Bahut shukriya. Allah.